अब देख रहे हैं नोदे टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव सभी हरियाणा के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर बीजेपी लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल जी। दुग्गल मैम, मुलाकात हुई है, आखिर चर्चा क्या हुई है? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आप सब लोगों को मालूम ही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 9 वर्ष पूरे किए हैं। उसी में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, उन्होंने 1 महीने का एक कार्यक्रम महाजनसंपर्क अभियान जो है वो चलाया, जो कि 31 मई से लेकर 30 जून तक चला। और इस कार्यक्रम में अलग अलग जो लोकसभा के सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, उन सब की जिम्मेवारियाँ अलग अलग लोकसभा में लगी थी। तो उसी के तहत जो है हमारी लोकसभा के अंदर क्या क्या काम हुए और कौन कौन से अभी भी वो 13 सूत्रीय कार्यक्रम है वो अभी पेंडिंग है, इसके बारे में विस्तार से माननीय प्रभारी जी से चर्चा हुई। क्या जी जी, इसमें जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरी लोकसभा के अंदर सिरसा के अंदर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी आए थे और जिस तरह से उन्होंने पब्लिक के साथ इंटरेक्ट किया तो लोगों के जनमानस के मन में आज भी जो है उनकी वो छवि बैठी हुई है। 370 के बाद वो पहली बार जो है वो हमारी लोकसभा में आए और बहुत ज़बरदस्त वो रैली रही और लोगों के अंदर बड़ा ज़बरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिला। 9 साल की आपने बात करी, 9 साल से आप भी सांसद हैं, क्या जो सरकार की जो योजनाएँ हैं क्या वो धरातल तक पहुँच रही है, इसको लेकर भी फीडबैक लिया गया है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी धरातल पर जाकर आम जनमानस से पूछेंगे तो जनमानस जो है इस बात को लेकर बहुत खुश है कि ये जो 9 वर्ष रहे हैं एक आम जनता के लिए बहुत सुकून के रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे आसान हो, ईज़ ऑफ लिविंग, उसके तहत जो है सारी योजनाओं के तहत जो है सरकार ने काम किए हैं। इसमें अगर एक एक करके मैं मुझे लगता है कि अगर योजनाएं आपको हम गिनाने लगेंगे तो समय शाम तक जो है मैं गिना नहीं पाऊंगी। इतनी योजनाएं जो है सरकार आम जनता के लिए लेकर आई है और उसका लाभ हमें धरातल पर आप दिखाई दे रहा है। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं नवरंगपुर में गई थी तो वहाँ पर जो वो महिलाएँ जिनको जो दूसरी पार्टी हैं वो उस समय में उनको बुलाती थी जो है जबकि इलेक्शन होता था उस समय में उनको बुलाकर और उनको किसी भी तरह का कोई साड़ी उनको देना होता था या कोई पैसे देकर उनको किसी तरह लुभाती थी। लेकिन वही लाभार्थी महिलाएं अब जो है सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी की 9 वर्ष की योजनाओं को देखने के लिए, सुनने के लिए और जो उनको लाभ मिला है उसको बताने के लिए भारी मात्रा में वहाँ पर एकत्रित हुई। जी क्या मैम, अगर बात करें हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, क्या इसको लेकर भी कोई बातचीत हुई है कि आगे गठबंधन रहकर कितना फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए इसके बारे में सांसद से कोई चर्चा नहीं हुई। ये प्रेरोगेटिव जो है हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं शीर्ष नेतृत्व का और इसके साथ साथ हमारे प्रदेश के जो माननीय अध्यक्ष जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रभारी जी हैं और संगठन मंत्री जी हैं, इन सब लोगों का जो है ये प्रेरोगेटिव है तो ये लोग इसके बारे में चर्चा करते होंगे, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। तो बिल्कुल, ये थी सुनीता दुग्गल जिन्होंने कहा कि जो प्रभारी से मुलाकात हुई है उस पर क्या चर्चा हुई है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।